तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज़ लाइव। भारत के युवा हमेशा ही निराश करते हैं। उनसे उम्मीद थी कि वे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम को लेकर महीनों डिबेट में डूब जाएंगे, लेकिन वे नौकरी पर डिबेट की मांग करने लगे। भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले ही इन युवाओं ने नौकरी की बात शुरू कर दी। भारत के युवाओं को कौन सा टॉपिक दिया जाए जिससे वे रोजगार के मुद्दे से भटक जाए, इसमें दोष युवाओं का नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप का है। नौकरी रोजगार जैसे मुद्दे सोशल मीडिया में कितने हावी है, महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ये चुप्पी क्यों है। नौकरी रोजगार जैसे मुद्दे सोशल मीडिया पर कितने हावी है, आइए देखते हैं रविश कुमार का प्राइम टाइम। जिनका काम हर दिन चीन और पाकिस्तान को पराजित करने के बाद विश्व गुरु बनाने की महानता के डोज सूरज उगने से पहले भेज देना होता है, आप किसी से भी पूछिए, वो रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप से परेशान। राजनीति शास्त्र के प्रोफेसरों और रिसर्चरों को रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप और सांप्रदायिक नागरिकता के घरेलू संस्कार पर काम करना चाहिए। यह अच्छा नहीं है कि कोलंबिया से लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को रिसर्च का आइडिया मैं ही दूं। क्या उनके व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी रिश्तेदार सक्रिय नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? रिश्तेदारों के इन्हीं ग्रुप में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जरूरी खास किस्म के नागरिकों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। सबसे पहले मैंने नेशनल टीवी पर रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप की प्रासंगिकता की बात की। आपने पिछली दो पंक्तियों में दो बार मैं सुना होगा, स्टेडियम का नाम रखने से प्रेरित हो गया। जो लोग अपने रिश्तेदारों के प्रयास के बाद भी सांप्रदायिक नागरिक होने से बच गए हैं, वो मेरा भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तीसरी बार मैं आ गया, आज हो क्या रहा है मेरे साथ, अब और मैं नहीं। खैर, इससे निकलकर उस चराचर जगत की तरफ प्रस्थान करते हैं जहां भारत के लोकल युवा ट्विटर पर रोजगार नाम की छोटी मोटी समस्या को ग्लोबल ट्रेंड करा रहे हैं। यह विश्वगुरु भारत की छवि को खराब करने वाला कदम तो है ही, युवाओं के परिवारों में रिश्तेदारों के घटते प्रभाव का भी द्योतक है। बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं के रिश्तेदारों की नाकामी का समानुपाती है। रिश्तेदार जितने नाकाम होंगे, बेरोजगारी का मुद्दा उतना प्रमुख हो सकता है। नौजवान मुझसे चर्चा मांग रहे हैं, मुझे टैग कर रहे हैं, इस बात पर फिर इंग्लिश बोलने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे आगे दिल्ली दंगों पर भी रिपोर्ट दिखानी है, इसलिए रहने देता हूं। 25 फरवरी का दिन जब घड़ी की बड़ी सुई छोटी सुई को क्रमांक 12 पर छोड़कर आगे बढ़ती है, तब हिंदू मुस्लिम डिबेट में रमने वाले युवाओं ने मैसेज भेजना शुरू किया कि हैशटैग मोदी जॉब दो दुनिया में नंबर वन ट्रेंड कर रहा है और भारत में हैशटैग गो बैक मोदी दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अन्य पत्रकारों के साथ साथ मुझे भी टैग टू किया जा रहा था, जैसे बेरोजगारी के तक्षक ने मुझे भी बांध लिया हो। मेरे सपने में आने वाले नीम के पेड़ ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि ट्विटर से दूर रहा करो, एक ग्लोबल ट्रेंड और दूसरा इंडिया ट्रेंड। युवाओं ने आज दूरदर्शिता का परिचय दे ही दिया। मोदी जी से रोजगार मांग रहे हैं, यह बात दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन रोजगार ना देने पर मोदी गो बैक का नारा लगा रहे हैं, केवल भारत को बता रहे हैं। इन युवाओं को आज दोपहर 12 बजे तक 60 लाख ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? वे क्या समझते हैं कि इससे कल के सारे अखबारों में पहली हेडलाइन बन जाएगी? कोटा के एक मास्टर साहब रवि मोहन तो बाकायदा बता रहे हैं कि हैशटैग कैसे ट्रेंड कराना है, इसी को टूल किट कहते हैं। दुआ कीजिए कि इनके घर में ईडी छापे ना डाले और पुलिस फर्जी केस बनाने ना पहुंच जाए। हैशटैग मोदी रोजगार दो यह मात्र ट्रेंड नहीं है, यह उस सामूहिक बेचैनी हताशा और क्रोध की अभिव्यक्ति है जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार की परीक्षाएं या भर्तियां नहीं है बल्कि तमाम राज्यों की भर्ती परीक्षाएं, ओडिशा बिहार बंगाल असम हरियाणा दिल्ली राजस्थान मध्य प्रदेश पंजाब कर्नाटक, तभी तो 60 लाख ट्वीट हो रहा है। टाइमली एग्जाम टाइमली रिजल्ट इंक्रीज वैकेंसी, ये सब भी भारत के भीतर टॉप 10 में ट्रेंड कर रहे थे। मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ, मैंने सीटेट का एग्जाम क्लियर किया था,
पर KVS की वैकेंसी पिछले 2 साल से नहीं निकली। लास्ट वैकेंसी 2018 में निकली थी और अभी तीसरा साल शुरू हो चुका है। इसके अलावा मैंने HTET का एग्ज़ाम भी क्लियर किया है, परंतु HTET में भी हरियाणा में कोई वैकेंसी नहीं निकली HTET क्लियर करने के बावजूद। और कुछ समय बाद जब वैकेंसीज निकलेंगी तब हम ओवरएज हो जाएंगे, तो सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुनती है? मैं एक SSC CGL एस्पिरेंट हूँ। मैंने CGL 18 भी दिया है, 19 भी दिया है और शायद 2020 भी दूंगी। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि इनकी जो डिलेड प्रोसेस है उससे कोई जॉब श्योरिटी नहीं है। पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा। ये एग्ज़ाम प्रॉपरली अगर कंडक्ट कराया जाए तो मैक्सिमम 1 साल लगना चाहिए, पर 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितना भी टाइम लग सकता है। मैं SSC की तैयारी पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से लगातार SSC की कट ऑफ बढ़ते जा रही है और एग्जाम फेयर तरीके से नहीं हो रहे हैं, वैकेंसी लगातार कम हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर बनता है। फैमिली को ये कहना पड़ता है कि पापा थोड़ी दिन और टाइम दे दो, लेकिन वो एग्जाम उस टाइम में भी नहीं हो पाते हैं तो उनको और टाइम एक्सटेंड करना पड़ता है। मैंने 2019 में UPTET और CTET कंप्लीट किया, मतलब पास किया, अपेयरिंग में कर दिए थे। और जैसे जिस तरीके से अब आपने CTET का अब आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा मार्च में, तो उसमें भी बहुत सारे CTET पासर्स होंगे। अब KVS का कोई भी वैकेंसी स्टार्ट नहीं है, कोई भी KVS के 2-3 साल हो चुके हैं, वहाँ पर कोई भी वैकेंसीज नहीं निकल रही है। अभी जो 2019 में इलेक्शन से पहले का NTPC और ग्रुप डी जो नोटिफिकेशन आया उसमें से अभी तक सिर्फ NTPC का PT हो रहा है प्रीलिम्स, और वो भी दिसंबर से स्टार्ट है, अभी तक चल रहा है। पता नहीं चल पा रहा है कि कब खत्म होगा और कब उसका रिजल्ट आएगा, फिर कब आगे Tier 2 होगा। परीक्षा रिजल्ट और नियुक्ति के साथ गायब होती भर्तियां, ये भारत का इतना बड़ा मसला है कि मुझे कई बार घोषणा करनी पड़ती है कि नहीं कर पाऊंगा ना करेंगे, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। हर राज्य में घोटाले घपले की इतनी कहानियां हैं कि इसके लिए अलग से किसान चैनल की तरह भर्ती चैनल की जरूरत है। वैसे किसान आंदोलन के दौरान आप लोगों ने एक बार भी किसान चैनल की बात नहीं की, अच्छी बात नहीं है। ये बात मैं आंतरिक रूप से बता रहा हूं। अभी इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस SA बोबडे ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक देश की शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर रहा है। यह उस समय की खबर है जब भारत विश्वगुरु हो चुका है, बताइए, और प्रश्न पत्र है कि लीक हो जा रहा है। डू यू गेट माई पॉइंट? मामला कर्नाटक का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश के व्यापम जैसे मामले शिक्षा प्रणाली को खराब कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने तो यह भी कह दिया कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में व्यापम मामले में क्या हुआ, यह कोई साधारण वाक्य तो नहीं है। कर्नाटक में 2016 में रसायन शास्त्र के प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया था, जिसके एक आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और सह आरोपी आरोप मुक्त हो गया। बिहार में तो पेपर लीक के मामले आए दिन विपक्ष के नेता उठाते रहते हैं, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। वहां सवाल उठाने से पेपर लीक बंद भी नहीं होते, ये बिहार ने हर बार साबित किया है। अगर हमको अगर कोई व्हाट्सएप अगर जानकारी प्राप्त हुई है तो मेरी तो जिम्मेदारी, अगर कोई क्वेश्चन पेपर अगर लीक हुआ है तो आपको तो जड़ से पता करना चाहिए कि लीक कैसे हुआ, प्रिंटिंग के वजह से हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से हुआ है, क्या टीम बनी है, जो अधिकारी थे उसकी ना जिम्मेदारी होगी। आप उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, आप ऑपोजिशन पे, आप जो है पत्रकारों पर जो है आप डंडा चलाने का काम करते हैं, FIR दर्ज करवाने का काम करते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज कर सकता आता है, और हमारी तो जिम्मेवारी बनती है कि सरकार के संज्ञान में लाया, हमने सरकार के संज्ञान में लाया। सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, निकलती हैं तो कभी पूरी नहीं होती, एकाध पूरी होंगी बाकी अधूरी रह जाती, यही पैटर्न आपको सभी राज्यों में दिखेगा। राहुल गांधी ने भी इस मामले में ट्वीट करते हुए कहा कि फेल सरकार, महंगाई की मार, बेरोजगारी की सब हदें पार, हैशटैग मोदी जॉब दो। बुधवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अलग अलग जगह पर सैकड़ों की संख्या में युवा रोजगार के मुद्दे पर सड़क पर उतरे। सुबह 11 बजे बालसन चौराहे से यह प्रदर्शन शुरू हुआ, खाली पड़े पदों पर जल्दी भर्ती की ये मांग कर रहे हैं। पुलिस ने यह कहकर उन्हें हटा दिया कि पत्थर गिरजाघर पर धरना स्थल बनाया गया है और छात्र वहां पहुंचे। इसके बाद छात्र पत्थर गिरजाघर पहुंचे। छात्रों का आरोप है कि जब वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तब प्रशासन ने जबरदस्ती बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया। कुल 27 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 9 लड़कियां हैं।
गुरुवार 2 बजे तक ये छात्र रिहा नहीं हो सके थे। दिशा छात्र संगठन और नौजवान भारत सभा के कार्यकर्ताओं ने भी इलाहाबाद के सलोरी में सभाएं की। जुलूस निकाला गया जिसमें सैकड़ों युवाओं ने भागीदारी की। रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने, निजीकरण को रोकने, सभी खाली पदों को भरने, नए पदों का सृजन करने और नई शिक्षा नीति को रद्द करने जैसी मांगे वहां रखी गई। प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हैं। 10वीं और 12वीं के छात्रों के साथ मार्च में होगी, मगर 12वीं के बाद के युवाओं को भी परीक्षा के तनावों से गुजरना होता है। यह तनाव कोर्स के पूरा होने या तैयारी का नहीं है, पेपर लीक होने से लेकर रिजल्ट के ना आने का तनाव है, जिससे ना जाने कितने युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो गई। और इस तनाव के लिए युवा जिम्मेदार नहीं है, सिस्टम जिम्मेदार है। बहरहाल परीक्षा के तनाव से ग्रस्त जिन युवाओं ने ट्रेंड का रास्ता चुना है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए कोई मनाही नहीं, जिसे शिक्षा मंत्री ने जारी किया है। अभिभावकों के लिए मेरा यही आग्रह होगा कि आपके सपने भी होने चाहिए, अपेक्षाएं भी होनी चाहिए, लेकिन प्रेशर से परिस्थिति बिगड़ जाती है। जब भी आप बच्चे को कभी बहुत बढ़िया मानो खाना बनाया आपने, वो अपने मन से खा रहा है, लेकिन चूंकि आपने अच्छा बनाया है, आपको बहुत पसंद है, फिर बच्चों को कहो खाओ 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 तो खड़ा होकर के चला जाता है। होता है कि नहीं होता है? प्रेशर से रिएक्शन आता है, ऐसा न हो इसका हमने पूरा ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है ट्वीट कराने वाले युवाओं को इस वीडियो से फायदा होगा। 60 लाख ट्वीट के बाद तो केंद्र सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए। युवाओं को कुछ बताना चाहिए कि अभी निजीकरण करना है, सरकारी नौकरियों का दौर समाप्त हो गया है, यह सब ठीक से बताने में हर्ज क्या है? सिर्फ आज नहीं ट्रेंड हुआ है, रविवार को भी हुआ और सोमवार को भी हुआ और बीच बीच में होता ही रहा। अब मेरा युवाओं से कुछ प्रश्न है, उन्हें क्यों लगा कि 35 लाख 40 लाख 60 लाख ट्वीट करने से रोजगार पर बात होने लगेगी? युवा भी सरकार के साथ साथ खुद से यह सवाल करें कि 93 दिनों से भारत के करोड़ों किसान आंदोलन पर हैं, क्या उनके बीच, युवाओं के बीच किसान आंदोलन को लेकर कोई बात चल रही है? किसान आंदोलन के प्रति युवाओं की राय क्या वही है जो गोदी मीडिया ने बनाई है? ऐसा हो सकता है कि किसानों के आंदोलन के प्रति आप गोदी मीडिया देखकर राय बनाएं और अपने हैशटैग को कवर न करने पर आप गोदी मीडिया का मजाक भी उड़ाएं? कैसे हो सकता है? अगर गोदी मीडिया हैशटैग आंदोलन को कवर कर देता है तो क्या वो पाक साफ हो जाता है, पत्रकारिता का प्रतिमान बन जाता है? अगर इतनी सीमित और तात्कालिक सोच है, समझ है, तो फिर युवाओं को जलेबी बांटनी चाहिए आपस में कि उनका आंदोलन सफल रहा क्योंकि किसी मंत्री या गोदी मीडिया ने उन्हें किसानों की तरह आतंकवादी नहीं कहा। आंदोलन का मतलब केवल साहस नहीं होता है, आंदोलन के कारणों को लेकर साफ समझ बहुत जरूरी होती है और उस समझ का व्यापक होना और भी जरूरी होता है। यह सवाल इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे ट्वीट को पढ़ने के बाद भी यह साफ नहीं हो सका कि ये युवा किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं। ना तो किसानों के प्रति समर्थन दिखा, ना उनके मुद्दों का जिक्र दिखा, ना चिंता। इसका मतलब यह नहीं कि हैशटैग ट्रेंड करा देना बेमानी हो गया। क्या वाकई ट्विटर पर ट्वीट की संख्याओं का कोई खास मतलब होता है? इस सवाल पर क्या हमारे युवा सोचना चाहेंगे? कौन ट्वीट करता है उस पर निर्भर करता है या केवल संख्या से तय हो जाता है? अगर 40 लाख 60 लाख ट्वीट की संख्या का महत्व होता तो आज तो बहुत बात होती रोजगार पर। एक साल पहले 17 सितंबर 2020 को रोजगार को लेकर 35 लाख ट्वीट करने के दावे किए गए प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर। क्या हुआ? अच्छी बात है कि युवाओं ने हार नहीं मानी है और अपनी आवाज उठाने के इस सबसे सुरक्षित माध्यम पर बार बार लौट कर आते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने सांप्रदायिक नागरिकता का इस्तेमाल किया, उसे भूल मत जाइएगा। ट्विटर पर ट्रेंड कराने के लिए बनाए गए ये मीम युवाओं की बेचैनी का प्रदर्शन करते हैं, उनकी हताशा भी झलकती है। वे प्रधानमंत्री पर कभी कटाक्ष करते हैं, कभी कभी उनकी सरकार को ललकारते। आईटी सेल ने इन युवाओं को जिस तरह की अभिव्यक्ति दी है उसी शैली में जवाब देने लगे हैं। इससे आप देखेंगे कि कोई अलग असर पैदा नहीं हो रहा है। कई दिनों तक लाखों ट्वीट करने के बाद भी रोजगार का सवाल केवल परीक्षा और नियुक्ति पत्र तक सिमट गया है। मुमकिन है युवा खुद को गैर राजनीतिक दिखाना चाहते हैं,
लेकिन रोजगार का सवाल तो राजनीतिक है। इसके लिए सरकार और विपक्ष दोनों पर दबाव बनाना पड़ता है और उनसे रिजल्ट नहीं रोजगार की नीतियों के बारे में पूछना पड़ता है। तब युवाओं को उन आर्थिक नीतियों को लेकर सवाल करने होंगे जो जीडीपी के आंकड़े तो देते हैं मगर रोजगार के आंकड़े नहीं देते। अपना देखने और कतरा कर निकल जाने की आदत हमारे युवाओं को इस हद तक संकुचित कर चुकी है कि लाखों ट्वीट में आपको उनके ही बीच की एक युवा दिशा रवि और नवदीप कौर को लेकर कोई राय नहीं दिखेगी, जबकि ट्रेंड कराने के लिए इन युवाओं ने भी वही टूल किट बनाए जिसके आरोप में दिशा रवि 7 दिनों तक जेल में बंद रहे। अपने समय के राजनीतिक प्रश्नों से कटने की यह सावधानी माँ बाप को पसंद आ सकती है लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होता। अगर सारा प्रयास इस बात को लेकर है कि कहीं छप जाए दिख जाए तो फिर उन्हें इसका मूल्यांकन करना चाहिए कि जहां छपना है या जहां दिखना है उस प्रेस की क्या हालत है, उसकी विश्वसनीयता भारत और दुनिया में कहीं नहीं है। क्या युवाओं से आर्थिक नीतियों के आर पार देख लेने की उम्मीद करनी चाहिए? क्या उसके बगैर रोजगार का प्रश्न इस राजनीति में स्थापित होगा? प्रधानमंत्री ने लोकसभा में निजीकरण और सरकारी नौकरी को लेकर जो बातें कही उस पर भी ट्रेंड के दौरान कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दिखी, जबकि पकौड़ा तलने से लेकर आईएएस भी हवाई जहाज उड़ाएगा वाली बात सबके सामने कही गई छिपाकर नहीं। उम्मीद है इस बयान से प्रभावित माँ बाप और रिश्तेदार व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को समझाएंगे कि आईएएस की तैयारी छोड़ दो। वेल्थ क्रिएटर भी देश को जरूरी होते हैं, तभी तो वेल्थ बांटेंगे। गरीब तक वेल्थ बांटेंगे कहां से, रोजगार देंगे कैसे? और सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। हम हमारे देश के नौजवानों को जितना ज्यादा अवसर देंगे मुझे लगता है उसको उतना ही लाभ होने वाला है। सरकारी नौकरी का सपना देखना कोई खराब सपना नहीं है। प्राइवेट सेक्टर अगर नौकरी दे पा रहा होता तो युवा सरकारी नौकरी की तरफ कम देखते। महामारी के दौरान करोड़ों लोग प्राइवेट सेक्टर से ही बेरोजगार हुए। नौकरी और सैलरी की शर्तें खराब हो चुकी हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रिश्तेदारों के ग्रुप बच्चों को डांट रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर रोजगार देता है, निजीकरण जरूरी है। किस वेल्थ क्रिएटर ने कितना रोजगार दिया कोई आंकड़ा नहीं है। सरकार ने कितना रोजगार दिया कोई आंकड़ा नहीं है। किस तरह का रोजगार दिया इसका भी आंकड़ा नहीं है। इसका आंकड़ा तो है कि हमारे देश के कुछ सबसे अमीर वेल्थ क्रिएटर्स की वेल्थ में कोरोना महामारी के दौरान 35% का इजाफा हो गया, लेकिन इसका आंकड़ा नहीं है कि कोरोना के कारण कितने लोग बेरोजगार हो गए। क्या इन सब प्रश्नों के बगैर किसी ट्रेंड का कोई व्यापक असर हो सकता है? इस बीच गैस का सिलेंडर फिर 25 रुपए महंगा हो चुका है। अकेले फरवरी में करीब 100 रुपए महंगा हुआ है। देश की राजनीति बंगाल में जाकर जय बांग्ला बनाम जय श्री राम में सिमट चुकी है। महंगाई से त्रस्त इस देश की यह हालत हो चुकी है कि चुनाव आता नहीं कि महापुरुषों के नारे और नाम लिए जाने को लेकर मुद्दे तय होने लगते हैं। राजनीति को इस लेवल पर कौन लाया अब सवाल खत्म हो चुका है, लेकिन इस लेवल पर कौन बार बार लाया जा रहा है यह भी दिखाई नहीं दे रहा है। जनता की जेब खाली हो रही है, उसकी कमाई कम हो रही है। कांग्रेस सिलेंडर पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। नागरिक जीवन के तनाव सिर्फ दाम और नौकरी के नहीं है, दंगों के भी हैं और बिना सबूत के फंसाए जाने के भी हैं। करीब 11 महीने तक बिना सबूत के जेल में बंद कर दिए गए उन गरीब लोगों पर क्या गुजरी होगी? गोली मारने के नारे लगाने वाले से पूछताछ तक नहीं हुई, लेकिन 3 गरीब बिना सबूत के दंगों के आरोप में उठाकर जेल में बंद कर दिए गए 11 महीने के लिए। जुनैद इरशाद चांद मोहम्मद के लिए भारत के युवा 60 लाख ट्वीट नहीं करेंगे, ये मैं जानता हूं और युवाओं को भी पता है कि ये मैं जानता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हें 19 फरवरी को जमानत दी। प्रक्रियाएं इतनी जटिल हैं कि बाहर आते आते 19 से 24 फरवरी हो गया। जिस इमारत पर होने के आरोप में चांद मोहम्मद, जुनैद और इशाद को गिरफ्तार किया गया, तीनों उस इमारत पर थे ही नहीं। उमर खालिद भी तो दिल्ली से बाहर थे, जेल में है साजिश रचने के आरोप में।